हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू मेरे चैनल। मेरा नाम लव और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद लव। सो गाइस, स्कैम्स सुन के दिमाग में क्या आता है? झूठ, फरेब एंड बहुत सारी दिमाग में बातें, ट्रिक्स। तो ये जो स्कैम्स होते हैं ट्रैवलर्स के साथ किस तरह होते हैं, एंड मनाली में या फिर कई जगह ऐसी जहाँ स्कैम्स होते हैं तो वो किस तरह स्कैम्स होते हैं, मैंने एक साल हो गया मुझे करीब करीब यूट्यूब पे, एंड अब तक मेरे साथ क्या स्कैम्स हुए हैं, तो ये वीडियो होने वाली इस बारे में कि आप अगर मनाली जाएं या फिर शिमला जाएं या फिर और किसी भी प्लेस पर जाएं, वहाँ किस तरह का जो स्कैम होता है मैं उस बारे में बात करूँगा। एंड इसमें मैं एक मेजर स्कैम की बात करूँगा जो अक्सर होटल्स वाले या फिर जो हॉस्टल वाले होते हैं वो करते हैं आपके साथ, कि किस तरह वो आपको ट्रिक करके आपसे पैसे ठग सकते हैं। तो इसके साथ शुरू करते हैं वीडियो को। एंड वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप मेरे से इंस्टाग्राम पर नहीं जुड़े तो दिस इज़ माय इंस्टाग्राम, गो एंड फॉलो मी। कोई भी क्वेश्चन हो वीडियो के रिगार्डिंग या कोई भी और बातचीत करनी हो तो यू कैन गो देयर एंड आस्क मी, एंड कंसिडर सब्सक्राइब टू चैनल इफ़ यू लाइक द वीडियो। एंड विद दिस लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइज, स्कैम्स मेरे साथ, मैंने जो सबसे ज़्यादा स्कैम अब तक देखे हैं वो मैंने देखे मनाली में। एंड मनाली में जो मेजर स्कैम होता है वो एक्चुअली ऐसा होता है कि आपको पता भी नहीं लगेगा और आपके साथ वो लोग स्कैम कर लेंगे। फर्स्ट थिंग कि जब आप मॉल रोड पर जाते हैं तो वो आपको बहुत सारी मतलब चीज़ें बेचने की कोशिश करेंगे, लाइक केसर हो गया, शीलाजीत हो गई और भी बहुत सारा स्टफ, इवन कोकेन या फिर बहुत सारी गांजे गुंजे की चीज़ें होती है वो सब वो आपको मॉल रोड पे ही या फिर कहीं भी चोरी छुपे बेचने की कोशिश करेंगे। इवन कई बार वो पुलिस के सामने भी बेच देते हैं उनका, आई डोंट नो व्हाई, तो ऐसा होता है। तो इस चीज़ से पहले सावधान रहें, बिकॉज वो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको वो कुछ नहीं कहेंगे, बट आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं इन चक्रों से। एंड इसी के साथ मैं बस इसमें एक और स्कैम की बात करूँगा, वो बहुत ही मेजर स्कैम है, इवन मेरी आँखों के सामने 3-4 लोगों के साथ किया गया है। एंड उस टाइम मैं इस बारे में वीडियो नहीं बना पाया था, बट मैंने लास्ट मनाली की वीडियो में बताया था कि मैं इस स्कैम के बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो वो स्कैम है गाइस कि अगर आप किसी भी हॉस्टल में रुकते हैं या होटल में रुकते हैं तो वहाँ कभी भी ना आपको ये नहीं बताएंगे कि वहाँ फूड का प्राइस क्या है। मतलब हॉस्टल का प्राइस होगा 250 रुपीज़ एंड वहाँ सिंगल चपाती का प्राइस होगा 200 रुपीज़। लाइक ऐसा हुआ है मेरे साथ एंड मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि जो लोग लाइक अल्कोहल पीते हैं या फिर कोई भी वहाँ मनाली में जाके हरकतें करते हैं तो वो बहुत गंदा फंसते हैं इन चक्रों में। लाइक वो शुरू में आपको बिठाएंगे अपने साथ, जो हॉस्टल के होस्ट कहते हैं, जो होस्ट होंगे या फिर वो, एंड आपको कहेंगे एक ड्रिंक पी लो या फिर गांजा पी लो या फिर जो कुछ भी उनके पास होता है लोकल, एंड उसके बाद वो कहेंगे फ्रॉम माई साइड, ऐसे बोल के आपको पिलाएंगे या कुछ भी करेंगे फर्स्ट, एंड उसके बाद आप फ्लो में आके या तो पीना शुरू कर देंगे कुछ भी कर देंगे, तो उस टाइम आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे। बट एट द टाइम ऑफ चेकआउट, जब आप चेकआउट कर रहे तो आपके 5,000, 6,000, 7,000 रुपये ऐसे बना लेंगे। इवन मैंने अपने सामने 3-4 लोगों को देखा, वो बाहर बैठ के बोल रहे थे मुझे कि लव भाई ऐसा हो गया, वैसा हो गया। एंड ऐसा रियलिटी में होता है, अगर आप मनाली जाए तो इन बात का ध्यान रखें। इवन आप कुछ भी वहाँ खाना खाएंगे तो हॉस्टल में जो है प्राइस होगा 250 रुपीज़ वो पर डे का, एंड वहाँ सिंगल चपाती का प्राइस था 300 रुपीज़। और कहीं भी मेन्यू का जिक्र नहीं है, कहीं किसी भी चीज़ का जिक्र नहीं है। एंड कई बार तो ऐसा होता है कि अगर आप वहाँ से बोला कि आप चेकआउट कर रहे हैं, लाइक आपका 100 रुपीज़ का बिल रह गया, 200 का रह गया, तो वो उसको आपको 10,000 का बिल बना देंगे, आपको कहेंगे कि आपने चोरी कर ली या कुछ कर लिया। तो ऐसा भी होता है मनाली में, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। ये एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है कि अगर आप कहीं भी जाएं तो हर चीज़ पूछें, ये कोई शर्म की बात नहीं होगी कि भाई इसके पैसे कितने होते हैं, इसके पैसे कितने होते हैं होटल्स में या कहीं पर भी, कुछ भी। कोई हमारा दोस्त नहीं है कि हमें फ्री में दे रहा है, कोई भी हमारा घर वाला नहीं है, हर चीज़ के पैसे लगते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा देख के चलें कहीं पर भी, लाइक काफ़ी सारी ऐसी प्लेसेस हैं। तो ये मुझे टॉपिक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा कि मैं इस बारे में बताऊं लोगों को, लोग काफ़ी फंसते हैं, काफ़ी दिक्कतें आते हैं। तो गाइस, ऐसी कुछ भी प्लेस है, कसौली हो गई या फिर मनाली हो गई, तो यहाँ पे केयरफुल रहें। इवन ऋषिकेश में भी ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आप कुछ भी कंज्यूम करते हैं तो अपने रिस्क पे करें, अपने प्राइवेट स्पेस में करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, रादर देन किसी होस्ट के साथ या वहाँ का कोई लोकल है उसके साथ। अनटिल अनलेस आप उसको जानते ना हो उससे पहले आई डोंट रिकमेंड कि आप ऐसा कुछ भी करें। एंड गाइज, दिस इज़ दी मोस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अगर छोटी सी वीडियो है बट काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। मे बी किसी एक या दो बंदे की अगर इस वीडियो से हेल्प होती तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद पूरा हो जाएगा।
And if you like the video, consider liking the channel and subscribing the channel. And this is my Instagram. अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो किसी भी बात के रिगार्डिंग, लाइक केदारनाथ के रिगार्डिंग, कश्मीर के रिगार्डिंग एंड कोई भी मैंने अब तक जो ट्रिप करी उसके रिगार्डिंग, तो यू कैन आस्क मी देयर, यू कैन फॉलो मी. सो विद दैट लेट्स साइन ऑफ. टेक केयर. गुड बाय.